हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हियरिंग मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे हम लोग किसी साउंड को सुन पाते हैं और कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे हमने किसी से कुछ बोला तो वो साउंड हम कैसे पहचान पाते हैं कि वो उसने क्या बोला। तो IAC के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ईयर और ब्रेन के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि हमारा जो ईयर है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा आपका मिडिल और तीसरा है इंटरनल ईयर। अगर हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें, इसके पास ऑरिकल होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है। फिर मिडिल ईयर में मिडिल ईयर होता है, जिसके पास ईयर ड्रम और तीन बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जो इनर ईयर है, इसी से आपका एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब। तो सबसे पहला काम, जब भी कोई साउंड हमारे एक्सटर्नल ईयर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो वो ईयर ड्रम से आके स्ट्राइक करता है और वो एक इम्पल्स जनरेट करके, वाइब्रेशन जनरेट करके साउंड में क्रिएट होता है मिडिल ईयर के द्वारा, और उसको हम सुन पाते हैं। तो इसी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर अपने पास है ईयर ड्रम, मैलियस, इनकस और स्टेपीस। और स्टेपीस से एक विंडो जो इंटरनल ईयर में ओपन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है? या उसको हम बोलते हैं ओवल फोसा ओबेलिस। अब यहां से आगे जो अपना मिडिल ईयर है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वहां पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर और हेयर सेल प्रेजेंट होती है, जहां से ये साउंड का ट्रांसमिशन नर्व फाइबर के थ्रू, या हम इसको बोल सकते हैं ऑडिटरी नर्व फाइबर, जिसके थ्रू साउंड हमारे ब्रेन तक जाता है। अगर एक्सेस में साउंड हमारे ब्रेन ईयर के अंदर आता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कॉकलिया के द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? कॉकलियर के द्वारा। हम एक लिमिट तक किसी साउंड को सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारा ईयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। जो भी एक्स्ट्रा साउंड होता है, उसको कॉकलियर रीजन में सेंड कर दिया जाता है, और वो कॉकलियर रीजन का एक पार्ट आके खुलता है हमारे स्टिचियन ट्यूब में। तो इसके बाद हम बात करते हैं साउंड ट्रेवलिंग की। सबसे पहले साउंड ट्रेवल होता है साउंड कलेक्टर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर एंटीना। फिर वो साउंड ट्रेवल होकर जाता है ईयर ड्रम के पास, और उस ईयर ड्रम के पास जो सॉलिड बोन है, आपको पता है कि साउंड का ट्रेवल सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। अगर हम तीन फेज की बात करें, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? साउंड का ट्रेवल, ठीक है, सबसे फास्ट होता है। तो हमने साउंड कलेक्ट कर लिया, साउंड को ट्रांसफ़र किया ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, वो जाके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक किया और वहाँ से एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ, ठीक है? और वो वाइब्रेशन अब जाके किसको स्ट्राइक करेगा? ओवल विंडो को। और वो ओवल विंडो जाके हमारे इंटरनल ईयर में, जो एंडोलिम्फ होता है, देखिए हमारे ईयर में, इंटरनल ईयर में तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। उस सेमी सर्कुलर कैनाल में जो लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ। और उस एंडोलिम्फ के अंदर वो तीन रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है? वो तीन रीजन है आपका स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया और एक होता है स्केला वेस्टिबुलाई। अब क्या होता है कि जब भी साउंड आता है, जैसे आपने पानी में अगर कोई कंकड़ फेंकी है, तो पानी में क्या होता है? एक वेव स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह जैसे साउंड आके हमारे किससे अटैच होता है? एंडोलिम्फ से। तो उसमें क्या होता है? एक साउंड क्रिएट होता है। ये साउंड अब क्या करता है? यहाँ से ट्रेवल करता है, ठीक है? हमने आपसे बोला कि जो एक्स्ट्रा साउंड होता है, वो कॉकलियर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और दोबारा उसको स्टिचियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये साउंड जनरेट हुआ, अब जनरेट होने के बाद सीधे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हेयर सेल पे स्ट्राइक करती है, और वो हेयर सेल एक इम्पल्स जनरेट करती है, और वो इम्पल्स सीधे हमारे ब्रेन ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जो हमारा पार्ट है वहाँ पे सुनाई देता है हमको।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कैसे सुनाई देता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।